हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट है फिजिक्स में क्लास 12 में, उसका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रिक चार्ज समझने से पहले हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्ज का जब हम स्टडी करेंगे तो चार्ज को रेस्ट में मानकर करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द स्टडी ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू चार्ज। कब, जब चार्ज रेस्ट पर हो, चार्ज एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज का स्टडी है जब हम लोग चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करते हैं। चार्ज के फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल का स्टडी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, सो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज जब भी आएगा तो वो मास के साथ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ मास होगा ही, पर जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको हम सब डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। सो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, सो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दो तरह के इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है। और चार्ज जब भी होगा तो चार्ज किसके साथ आएगा, मास के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी चार्ज होगा तो चार्ज, आप जानते हैं चार्ज इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन में जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन का अपना मास होगा, मतलब मास जहां है वहीं चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा, मास जहां है वहां चार्ज है। लेकिन आप न्यूट्रॉन के बारे में सुने होंगे, न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज क्या है, जीरो, नेट चार्ज जीरो, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, फिर भी इस पर मास तो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जहां मास हो वहां चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां चार्ज होगा वहां मास जरूर होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जहां चार्ज होगा वहां मास जरूर होगा, और जहां मास होगा जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज का SI यूनिट आप जानते ही होंगे, SI यूनिट कूलम, इसे C से डिनोट किया जाता है, और CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये कौन सा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कौन सा यूनिट होगा, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम,
इसको स्टेट कूलम से ही डिनोट किया जाता है। और इस यूनिट का एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो वन कूलम होता है 3×10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम। ठीक है, क्वांटिटी कैसा है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी है स्केलर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, वेक्टर वही है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन होता है एटी। ये डायमेंशन जो आया वो करंट के डेफिनेशन से आया है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो क्यू इक्वल्स टू आई टी। सो आई को डायमेंशन में ए से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। चार्ज का अपना डायमेंशन नहीं है, वो करंट और टाइम के डायमेंशन से डिफाइन होता है। दूसरी जो बात है सम स्मॉलर यूनिट, क्योंकि वन कूलम चार्ज अभी हम सब बताने वाले, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, सम स्मॉलर यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वन माइक्रो कूलम ये होगा 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो। वन मिली कूलम 10⁻³ कूलम। वन नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। वन पीको कूलम 10⁻½ कूलम। ठीक है, माइक्रो स्टैंड फॉर, म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो, ठीक है, एम मिली, एन फॉर नैनो, पी फॉर पीको, ये कुछ स्मॉलर यूनिट है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम सब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्लस से नेगेटिव माइनस से डिफाइन होता है, इसे कैपिटल प्लस क्यू से डिनोट कर सकते हैं या तो स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, और ये कैपिटल माइनस क्यू या स्मॉल माइनस क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ हो सकता है? हो सकता है पॉजिट्रॉन में हो, पॉजिट्रॉन में होता है जो क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। प्रोटॉन में भी होता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था चार्ज का, वो किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनके द्वारा चार्ज को क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया गया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। अब हम सब प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, उससे पहले
पोलारिटी समझते हैं। जैसे पोलारिटी होता क्या है, पोलारिटी हम सबको बताता है कि दो चार्ज को अलग, प्लस या तो माइनस, दो चार्ज को अलग करने का एक तरीका है, ठीक है ना, वे टू डिफ्रेंशिएट टू चार्ज बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस लगाकर दो चार्ज को अलग करने का जो तरीका है वो पोलारिटी कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज की पोलारिटी प्लस है, नेगेटिव चार्ज की पोलारिटी माइनस है। अब हम सब प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट Each other। Like कहने का मतलब होता है सेम, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, या तो प्लस क्यू प्लस क्यू, या तो माइनस क्यू माइनस क्यू, या तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज माइनस, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक है। और ये दोनों क्या करेगा, ये रिपल करेगा, ठीक है। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक कहने का मतलब, अनलाइक होता है अपोजिट, ठीक है, लाइक मतलब सेम और अनलाइक मतलब अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब, अपोजिट क्या हो सकता है, या तो प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस, या तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या तो माइनस क्यू प्लस क्यू आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। सो ये होगा अट्रैक्शन। सो लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो दिया गया था वो बताया गया था कैवेंडिश के द्वारा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें दोनों आता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। सो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑलवेज कंजर्व, या फिर टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स काम ना कर रहा हो, इस केस में होगा वैसा सिस्टम जिस पर ना तो अंदर से बाहर चार्ज ले जाया जा सके ना बाहर से अंदर चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एग्जाम्पल आप सब ले सकते हैं पेयर प्रोडक्शन का। एक पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना है जिसमें
एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में बदल जाता है। इसमें नेट चार्ज पहले क्या था, जीरो था। टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन जीरो, टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन यहां भी जीरो है, ठीक है। इसको गामा से भी डिनोट करते हैं, गामा में भी पेयर प्रोडक्शन आप बता सकते हैं। गामा इसका टोटल चार्ज जीरो है, ये आपका इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जितना माइनस इलेक्ट्रॉन में उतना प्लस प्रोटॉन में। सो पेयर प्रोडक्शन वैसा फेनोमेना है जिसमें एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है। दूसरा आप इक्वेशन देख सकते हैं, दूसरा रिएक्शन जैसे यूरेनियम 92-238, ये जब स्प्लिट करता है, सो थोरियम 90-234 प्लस हीलियम 24, टोटल चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 92 बिफोर द रिएक्शन, और आफ्टर द रिएक्शन 90+2 हो गया। टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन 92, टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन आफ्टर द रिएक्शन यहाँ भी हो गया 92, तो टोटल चार्ज कॉन्स्टेंट हो गया। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। यहाँ याद रखना है ये जो सिंबल दिया जाता है ZA, ये आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, और ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों बताता है, और ये तो एलिमेंट का सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। सो आपको न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, N प्लस पी मतलब ये, इसका मतलब a माइनस जेड कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा इसमें से। तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये डिफाइन होता है एक फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू एन ई से, जहां क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। एन क्या है, इंटीजर है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। जब इसका वैल्यू प्लस में होगा तो ये प्रोटॉन को शो करेगा, और जब माइनस में होगा तो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। ई है आपका एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। जब इसका वैल्यू 1.6 सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, (10^-19) कूलम, ठीक है। प्लस में लिखेंगे तो प्रोटॉन का वैल्यू हो जाएगा, और माइनस में तो इलेक्ट्रॉन का। ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया था R.A. मिलिकन के द्वारा, आपने नाम सुना होगा R.A. मिलिकन, अपने फेमस एक्सपेरिमेंट में ऑयल, जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1913 में, जिसके द्वारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हुआ था। क्या कैलकुलेट हुआ था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जिसको आप एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। यहां जो क्वांटाइजेशन है उसका स्टेटमेंट भी कई बार लिखना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, Q इक्वल्स टू एनी का मतलब क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए चार्ज बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज,
एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होगा वो इसी फॉर्मूले के आधार पर होगा। इसको ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज भी कहते हैं, जिसमें चार्ज ग्रेन का मतलब आप जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन पूछता है क्वांटाइजेशन का वैलिडिटी के बारे में। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहां इसको समझना जरूरी है इसके वैलिडिटी के बारे में। सो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं या पार्टिकल कहें, पार्टिकल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो, दूसरे हो सकते हैं माइक्रो। देखिए मैक्रो और माइक्रो में बहुत ही छोटा सा अंतर है। माइक्रो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, और मैक्रो छोटा ही होता है पर नेकेड आई से उसको देखा जा सकता है, जैसे डस्ट पार्टिकल, चॉक पार्टिकल। स्मॉल बट सीन, जिसको हम देख सकते हैं, वेरी स्मॉल, कैंट सीन विथ नेक्ड आई। तो इसमें जो पूछता है वो वैलिडिटी के बारे में पूछता है कि क्वांटाइजेशन जो है वो वैलिड कहां तक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रो के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज बिकम कंटिन्यूअस हो जाता है, फिर ग्रेनी नहीं हो सकता है वो, मतलब चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका Q इक्वल्स टू एनी कैलकुलेट वहां से नहीं कर सकते हैं। सो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मतलब जिसको ऐड किया जा सके, जैसे इसका स्टेटमेंट क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन एन चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। Charges on that body.
किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होंगे वो टोटल चार्ज अल्जेब्रिक सम होंगे। एग्जाम्पल आप कंसिडर करें, इस पॉइंट पर चार्ज है प्लस क्यू वन, इस पर प्लस क्यू टू, यहाँ है चार्ज माइनस क्यू थ्री, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है यहाँ चार्ज पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये हो गया आपका प्लस क्यू फोर। तो टोटल चार्ज क्यू जो होगा वो अल्जेब्रिक सम होगा, मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, टोटल चार्ज अल्जेब्रिक सम होगा। बाद में ये फिर क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज जो होगा वो समेशन होता है, अल्जेब्रिक सम होता है। एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है, लेट टू चार्जेस ऑन अ बॉडी क्यू ए इज इक्वल टू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री कूलम एंड क्यू बी, मतलब दो कोई पॉइंट होगा, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर कूलम, ठीक है। लेट टू चार्जेस ऑन ए बॉडी क्यू ए क्यू बी क्यू पर क्यू ए और क्यू बी कोई पॉइंट होगा, किसी भी दो पॉइंट होगा क्यू ए और क्यू बी जहां पर का चार्ज दिया है, कैलकुलेट टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज आप क्या करते हैं, टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री कूलम प्लस क्यू बी क्या हो गया, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर कूलम। इसको सॉल्व करके जो आता वो आपका आंसर होता। एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस होता, ठीक है, तब भी फॉर्मूला तो आप यही लिखते, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता, यहाँ पर जब आप लिखते इसको तब ये आपका हो जाता प्लस इंटू ये माइनस, बाद में इसको आप माइनस थ्री माइनस फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर कूलम ऐसा कर सकते थे। आई होप कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस मतलब होता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेस्ट में हो और मोशन में भी वही हो तो उसको इनवेरियंस कहते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज एट मोशन। जो चार्ज रेस्ट में होगा मोशन में भी वही होगा। मास के साथ ऐसा नहीं होता है, मास इनवेरियंस नहीं होते हैं, मास बदल जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार। सो चार्ज क्या होता है, जैसे प्लस फाइव कूलम रेस्ट में है तो मोशन में भी प्लस फाइव कूलम ही होगा। दूसरा पॉइंट है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन रिफरेंस फ्रेम। ये रिफरेंस फ्रेम मतलब जिस फ्रेम से आप इसको देख रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, इनवेरियंस होगा। सो ये तो हो गए आपके पांचों प्रॉपर्टी। अब इसमें हम सब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट
वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ गिवन क्या है, क्यू आपको गिवन है वन कूलम, एन आपको निकालना है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। सो क्यू इक्वल्स टू एन ई, ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये आप माइनस में होगा, प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो प्लस में। पर मैग्नीट्यूड लेने से क्या होता है, नंबर निकालना है हमको, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। सो एन निकालना है क्यू अपॉन ई। क्यू क्या है? टोटल चार्ज 1 कूलम। ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो ये कूलम हो गया कैंसल, ये हो गया 1/1.6, ये हो गया 10⁻¹⁹। सो 10 × 10⁻¹⁹ क्या लिख सकते थे, 18, और ये 1.6। सो डिवाइड करते 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। सो वन कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसीलिए एक कूलम का चार्ज बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। सो वन कूलम इज बिगर क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी, बिगर और ह्यूज क्वांटिटी। इसीलिए वन कूलम चार्ज हम सब नहीं लेते, या तो माइक्रो में जल्दी कैलकुलेट करते हैं या तो मिली में लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है। सो एक तरफ आप लिखें मास, दूसरी ओर चार्ज। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में सेम सेम चीज़ों को भी लिखा जाता है, डिफरेंस में अलग अलग लिखना होता है। सो पहला मास क्या होता है, मास होता है टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसको मास कहा जाता है। चार्ज क्या है, चार्ज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अभी बताया गया है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सो टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इनक्लोज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, मैटर क्या, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। दूसरा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट केजी में होगा, स्मॉल के स्मॉल जी। एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम होगा कैपिटल सी। क्वांटिटी कैसा है, मास स्केलर है या वेक्टर? सो मास स्केलर है, क्यों, क्योंकि मास में डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज भी क्या है, चार्ज भी स्केलर है, क्योंकि चार्ज में भी डायरेक्शन नहीं, चार्ज को डायरेक्शन से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मास का सिर्फ एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम एल टी में अगर डिनोट किया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो एम वन एल जीरो
टी जीरो, लेंथ और टाइम इस पर नहीं होता है। पर चार्ज में, चार्ज का डायमेंशन अभी बताया गया है ए टी, ठीक है, ए टाइम्स टी करंट टाइम्स टाइम। सो ये फोर डिफरेंस हो गए। फाइव क्या है, ओनली पॉजिटिव मास इज कंसिडर, सिर्फ पॉजिटिव मास को कंसिडर किया जाता है, नेगेटिव मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि चार्ज दो तरह के होते हैं, दोनों तरह के चार्ज होते हैं। सो मास का जो फोर्स हो, मास की वजह से जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू मास क्या होता है, मास की वजह से जो फोर्स होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिक्स, इस पर चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो कूलम फोर्स या फंडामेंटल फोर्स में देखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप है। ये फोर्स क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ही चीज है ना। ये फोर्स कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव, सो जब सेम सेम चार्ज होगा तब रिपल्सिव, और जब अपोजिट चार्ज होगा तब अट्रैक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज्ड नहीं होते, पर चार्ज में क्या है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मास, नेक्स्ट पॉइंट है, मास इज कंजर्व, कह सकते हैं हमेशा नहीं पर मास इज कंजर्व, पर चार्ज में क्या बोलेंगे, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ऑलवेज कंजर्व और कंजर्व में अंतर है, ऑलवेज कंजर्व कहने का मतलब हमेशा कंजर्व होगा, और मास इज कंजर्व मतलब हमेशा नहीं। जैसे इनवेरियंस में, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए तो इसका मास चेंज करता है, रेस्ट मास अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से, तो ये कंजर्व नहीं रहता है, फिर बदल जाता है मास, और चार्ज के लिए ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, अभी बताया गया है थोड़ा देर पहले, मास एग्जिस्ट करता है बिना चार्ज का। एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है पर इसका मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं है,
चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जहाँ मास होगा वहीं चार्ज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पर इस पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है, मास है तब चार्ज है। प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻²⁷ kg, मास है तब चार्ज है। एक क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। नेम द डिवाइस विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, उस डिवाइस का नाम बताएं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता हो। सो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका पूरा जो नाम है वो गोल्ड लीफ, जो ओरिजिनल वर्जन में है इसका जो डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पर लैब में एल्युमिनियम लीफ का भी आता है, ठीक है। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज।